किया। भगवान ये दिवंगत आत्मा दे परलोक में शांति प्रदान करे, यज्ञ योगा परिवार दे सुख समृद्धि प्रदान करे। 211 रुपए की धनराशि आदर्श नाम आदर्श सिंह राणा, सुपुत्र श्री विजय पाल सिंह राणा, ग्राम बजालगांव वालुना अभिमन्यु के पात्र।
Thank you.
ये ना वीडियो देख रहे हैं, अभी थोड़ी देर में ना पहिया का डाला टूटेगा, आज सारा आप लोगों को ये जो है ना मौका मिल गया है। आज आपको जो है ना बहुत अच्छा मौका है, ये देखो अभी हमारे यहाँ पर जो है ना ये पहिया, आप जो है मातम लेके जाए और बात देखते रहे तब तक लाइव जितने लाइव में जुड़े हैं सब भगवान। ये हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष सोना सिंह जी आपको आज नमस्ते करें, मकर संक्रांति नया साल हमारे हिंदुओं का, और आज भगवान ने इनको समस्त जनता से अपील जो नारायण को जो डाल आपका बीच में बहुत बड़ा विषय महात्म को विषय अलग अलग पार्टी बैठी ना मुल्क और देश बैठी प्रदेश बैठी यू जो पाए की डाल ये को भोग जरूर लिखते जाओ ना ये सफल और सभी लोग कोई भी जल्दीबाजी ना करो क्योंकि की जो डाल बहुत लंबी चा मेरी तो प्रार्थना ये कि कोई अच्छी ही व्यक्ति डाल पर चढ़ो और धीरे धीरे कहते एक एक पति सभी लोग होते हैं सभी भक्तों होते हैं वितरित करो यू मेरो अनुरोध चा आपका बीच में बहुत अच्छा प्रोग्राम आपन देखे अलग अलग प्रकार से हमारी परंपराओं का हिसाब से और शांति को दान दियो ना और प्रसाद आपका बीच में भाई जीत सिंह जी है कि ना आप आपसे से परिचित हो ना जीत सिंह आपको माता मिलेगा और पांडवों का आशीर्वाद भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद आप जो लाइव हैं उनके लिए भी भगवान उनकी मनोकामना पूरी करे आगे बढ़े जीवन में, इसके लिए धन्यवाद दोस्तों। बजालगांव 11 को हिंदो का दीप्तों से रिक्वेस्ट कर दूं जब का लोग लाइव से झगड़ा तो सर्व मनोकामना पूर्ण हो और हमेशा अपना जीवन में खुश रहो, लोग परिवार खुश रहो, सब जगह से धन धान्य संपूर्ण तरीके से संपन्न हो और इन्हें हमारी लाइफ देख दे रहो, ये मेरी यखा का देवत से प्रार्थना चे। अब हमारा जगह ये पया डाला पर चलने की तैयारी चलनी प्रसाद वितरण, ये हमारा पारिजात को पेड़ चे भगवान कभी प्रतिफल आया था, आज ये का पत्ता प्रसाद का रूप में मिल दन तो ये अभी अब हमारा देखा पशुआ जो छन वृद्ध पशुआ तैयारी करना
आप अकोड़ी क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य हैं और टिहरी जिले से जय विविधता के अध्यक्ष हैं, तो जो प्रकृति का सौंदर्य है इसको मेंटेन करने में तो ये आज आपको परिचय करा। ये आप पूर्व जिला पंचायत सदस्य केदार बर्तवाल जी हैं और आप सामाजिक कार्यकर्ता दर्शन लाल आर्य जी हैं, आपकी विशेष है और आप यहाँ के प्रथम नागरिक प्रधान जी हैं। तो आप लोग जितने देख रहे हैं आपको मैंने परिचय करा दिया है। अरे हमारे उभरते हुए नेता जी भी बात कर लिया। अच्छा बोलता नहीं हूँ, लेकिन अभी आप जो है भगवान का मातम ले रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर कर दें और आपका इस पुण्य कार्य में बहुत बहुत धन्यवाद। देखो यहाँ पर 11 गांव हिंडौन में बुजाल गांव में ये हमारा पौराणिक कार्यक्रम चलता है पांडव नृत्य और आज ये समाप्त हो जाएगा। तो ये अभी हम क्या किसी पुण्य प्रसाद जो यहाँ से मिलता है वो मिलेगा, तो जो भी इसको देख रहा है तो अपने आगे दोस्तों को बढ़ाएं ताकि हमारी ये कल्चर परंपरा बनी रहे। दोस्तों सबको रिक्वेस्ट है कि शेयर करें इसको। अभी जो है कुंती माता ने सभी पुत्रों को हथियार दे दिए हैं और अभी आगे बढ़ रहे हैं। ये देखो अभी द्रौपदी माँ तैयार हो गई है, सारा तैयार हो गए। सभी दोस्तों का ये पुण्य कार्य में, क्योंकि हमारे कल्चर है, संस्कृति है, कहीं तो बची रहेगी, किसी को तो पता होगा कि आगे क्या करना है। हम लोग नए नए, आप लोग भी नए नए, तो गांव के पूर्वज जो हमारे बुजुर्ग लोग कर रहे हैं इस काम को, ये अगर ये शेयर रहेगा, ये वीडियो बना रहेगा तो लोगों को पता रहेगी इसके बाद करते क्या हम लोग। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप शेयर करें, ये हमारा कल्चर है और इसको बचाना हमारा ड्यूटी है, धर्म भी है। शिव सिंह रावत बोला सॉरी मैं लाइव कौन में काटना पड़ी। देखो हमारा ये सबसे एक्टिव हमारी भगवान के गुणों का पूर्ण कर हर गुमा हर जगह उपलब्ध और आप क्या रखो हिंदो तुम्हारे साथ ही करना सबसे जागरूक योगी को पेट तो योग साथ जोड़ो जरूर से।
बजलगांव का लास्ट दिन और लास्ट टाइम ये सुंदर प्रस्तुति यहाँ पर नरसिंह देवता की धरती है ये बजलगांव, और नरसिंह देवता आप सभी लोगों की मनोकामना पूर्ण करें इन गांव वालों की, यहाँ पर इस एरिया की, और आप लोगों की दया दृष्टि रहेगी तो यहाँ पर बहुत जल्दी वो एक हॉस्पिटल निर्माण हो जाए जो मैं भी चाहता हूँ। अभी आप बजलगांव को हमारे पौराणिक कल्चर को मेंटेन करते हुए, सांस्कृतिक जो धरोहर हमारी इसको मेंटेन करते हैं। दोस्तों जो छोटे भाई मेरे इसको शेयर करें ताकि लोगों को पता चले कि हमारे लास्ट में परमार्थ में करते क्या है। बहुत सारे लोग हम लोग अननोन है और जो हमारी जानकारी नहीं है वो इससे इस वीडियो से पता चले कि हमारे लास्ट में क्या क्या होते हैं। पहले मार मरीड था, फिर ये था, इसके बाद ये होगा और अब प्रसाद वितरण होगा। ये हमारा जो पारिजात का पेड़ है, ये पहिया जिसको बोलते हैं, जिसको पारिजात भी बोलते हैं, ये इसके पत्ते प्रसाद रूप में दिए जाते हैं। बहुत भीड़ है यहाँ पर, शेयर करने लिए बोलता नहीं हूँ, आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे लेकिन आज बोल रहा हूँ शेयर करो क्योंकि ये हमारी धरोहर है और ये मेरे पास नहीं रहेगी, किसी और के पास रहेगी क्योंकि तुम्हें पता है जिक्रू, मैं गढ़वा जिक्रू बोलता हूँ फेसबुक के मालिक को मार्क जुकरबर्ग को, तो जिक्रू का भी मेरा फेसबुक बंद कर सकता है, इसलिए आप लोग इसको शेयर करें ताकि कहीं भी ये वीडियो बची रहेगी तो हमारे काम आएगी, यहाँ का हमारा कल्चर है। देखो लास्ट ये आपकी कार्रवाई देखनी बहुत जरूरी है आप लोगों को। और यहाँ से प्रसाद वितरण करेंगे हमारे देवता, देखो गण ऊपर चले गए पेड़ पे, ये आप देख लो, देख लो देख लो, ये अब यहाँ से ये आपको लाइव फ्रॉम बजलगांव प्रसाद वितरण। अभी लोग यहाँ पर भीड़ जो है प्रसाद वितरण होते हुए, एक बात धन्यवाद धन्यवाद, मेरे को प्रसाद मिल गया है। आप लोग भी ये पुण्य के भागीदारी बने, जो भी बंदे यहाँ पर देख रहे हैं लाइव, ये पुण्य के भागीदारी बने। देखो ये प्रसाद के लिए हमारे पशु ऊपर चढ़ गए और ये काफी हाइट पर है और यहाँ देखो प्रसाद के लिए मारामारी हो रही है, प्रसाद वितरण हो रहा है और ये अभी ये देख लो ये ऊपर चढ़ गए हैं ये भीड़ प्रसाद के लिए बहुत उतावली हो रही है। देखो ये प्रसाद किस प्रकार है, प्रसाद के लिए ये देखो बहुत ऊपर चढ़ गए। आप जो जितने लोग ऑनलाइन मतलब यहाँ पर देख रहे हैं लाइव देख रहे हैं ये सब पुण्य के भागीदार बने, ये भगवान हमारे देवतागण जो है अभी प्रसाद वितरण कर रहे हैं। क्या देखो मेरे को भी कुर्सी मिल गई है, बोलो मेरे को ऊपर से लाइव करने लिए, देखो ये गजब, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ मुझे आज ये मौका मिला है कि मुझे, अरे नहीं ये ऊपर तक ये मेरा अपना तरीका है।
11 गांव इंदौर, और आज यहाँ पर जिला की प्रथम महिला भी है। और देखो देखो ये हमारे प्रसाद के भी लाइव चल रहे हैं। दोस्तों शेयर कर रहे हो, शेयर कर लो, ये देखो आराम से हमारे बहुत हाइट पर पेड़ बना हुआ है, प्रसाद वितरण करते हुए। रांगड़ जी शेयर कीजिए अपने दोस्तों को ये हमारा, क्योंकि पनवाड़ के बारे में बहुत कम नॉलेज है, यहाँ पर आए हैं तो सीख लो, क्योंकि हो सकता है कभी मौका मिल जाए। दोस्तों ये पुण्य के भागीदार बने, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप सब लोगों घर में आप सुख संपदा और आपकी मनोकामना पूर्ण हो, जो जो आपके दिल में सपने हैं वो सब पूर्ण हो। और यहाँ पर आज पांडव 11 गाँव इंदौर पूजा गाँव में पांडव जिले के लास्ट, देखो ये अभी आप देखो ये बहुत जय हो, भगवती माँ ने मुझे प्रसाद दिया। यहाँ पर मतलब ये गांव वाले ने बहुत लंबा पेड़ रखा हुआ है तो ये चढ़ रहे हैं। देखो ये हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष को आगे की भविष्य के लिए माता ने प्रसाद दे दिया है कि आप जो है यहाँ पर सांसद बन गया है, और निश्चित ही यहाँ के देवताओं ने प्रसाद दे दिया है कि आप सांसद बनेंगे, टिहरी जिला प्रथम सीट जो हमारे उत्तराखंड भारत देश की है उससे, और फिर यहाँ पर इस एरिया का चौक भी विकास होगा, जो जिला पंचायत के हाथ में नहीं आता है ऊपर आएगा उसका विकास यहाँ से शुरू होगा। और मेरे को भी पूर्ण विश्वास हो गया कि अब ये रास्ता दूर नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोगों का जो जनमानस का वो है। मेरी आवाज़ बहुत कम लोगों तक आ रही होगी, क्योंकि आवाज़ तो क्योंकि भाई क्राउड है नेचुरली है, प्रसाद लेने के लिए लोग उतावले हो रहे हैं, प्रसाद मिल भी रहा है, और आप क्राउड को देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे पंडियों के लोग आए हैं, इंदौर के अरगंदौर नैलचामी बिलंग आरगढ़ गोनगढ़, यहाँ पर 11 पंडियों के लोग कुछ ना कुछ लोग आए हैं अपने सारे, और जो लड़कियाँ अपने माई के आर की हैं, क्योंकि आज यहाँ पर पंडवा पंडव लेवल की समाप्ति है। जो दोस्त नए आए हैं पुराने आए, मैं कभी शेयर शेयर के लिए नहीं बोलता था, आज मैं बोल रहा हूँ ये शेयर करो, क्योंकि ये हमारा कल्चर है, और ये किसी भी ये वीडियो जिसके पास रही है कल्चर बचा रहेगा, हो सकता है ये हमारी प्रक्रिया पता चल जाए। इस वीडियो में हमारी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने जानते हैं, और ये इससे पता चल, ये पहिया का पेड़ है, इसके पत्ते जो है हमारे प्रसाद के रूप में दिए जाए। आप लोग जो ऑनलाइन है ये मान के चलो कि आपको भी ये प्रसाद रूप में आपको वहीं मिल गया है, आप भगवान आप लोगों की मनोकामना पूर्ण करें, आपका जीवन सुख समृद्धि लाए, आपके हर मनोरथ पूर्ण हो। तो दोस्तों ये बहुत ही शानदार नज़ारा, अभी यहाँ पर भीड़ का आप अगर मैं इस कैमरे में इतना कैद नहीं कर पा रहा, ये हमारा आज जो है हिंदू धर्म का पहला दिन है मकर संक्रांति, और ऐसा मौका मुझे मिला है तो मेरे भी कहीं आयु भाग्य नहीं, देवताओं की कृपा से मैं यहाँ पहुँचा हूँ और आप लोगों तक ये पहुँच पाया हूँ, दूर दूर तक जो भी मेरे भाई बहन दूर दूर हैं इसको देखें और शेयर करें, अपना रीति रिवाज बचाएं, अपने सामाजिक कार्यक्रम बचाएं, क्योंकि इन्हीं से हमारी स्टेमिना है। आपको पता है पहाड़ों में कोरोना बहुत कम हुआ, क्योंकि हम लोग नाचते गाते खेलते कूदते हैं तो हमारा शारीरिक स्टेमिना ठीक रहती है, हमारी इम्यूनिटी बनी रहती है, इसलिए हम लोग बहुत स्वस्थ है। तो ये जो प्रोग्राम है ये कई प्रकार से, एक तो पौराणिक तो है ही है, प्लस जो हम लोग पूरे साल भर जो बॉडी में जो हमारा मैल होता है ना नाच नाच के खत्म हो जाता है, हमारे फिजिकली फिट हो जाते हैं। ये देखो हमारे ताऊ जी कितने उम्र के हैं आज भी फिट हैं, कि इसका कारण है कि हमने अपने परंपरा को बचा के रखा है, और ये परंपरा हमारे स्वास्थ्य को बचाने के लिए बहुत अच्छी है, इसलिए दोस्तों इसको शेयर कीजिए और सबको ये बताएं कि ये हमारी परंपरा बचाना इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि इसमें हम फिजिकली नाचते हैं खेलते हैं कूदते हैं गाते हैं मनोरंजन करते हैं, तो 6-7 दिन तक ये काम होता है, तो हमारे इसका मतलब हम बहुत स्वस्थ हो सकते हैं इससे। तो इसलिए मैं आप दोस्तों से मेरी विनती है कि ये हमारा कल्चर है, इसको बचाना बहुत जरूरी है। देखो हमारे जो एक पशु आए बोट टॉप पर पहुंच गए, यहाँ से प्रसाद देंगे वहाँ से, ये हमारा रिवाज में एक कल्चर है, पौराणिक लास्ट दिन में अंतिम दिनों में जो ये एक पारिजात का पौधा है इसके पत्ते जो है प्रसाद के रूप में दिए जाते हैं, इसको भगवान जो है स्वर्ग से लाए थे, आप इसकी कथा सुन लें, ये पारिजात का पौधा है जिसको हम पया बोलते हैं गढ़वाली भाषा में, ये रीत जब पांडव के लास्ट अंतिम चरणों में इसको तो देखते हैं भाई जी 136 तो मैं दोस्तों से बोल रहा हूँ आप अभी शेयर करो, ये लास्ट देखो ये प्रसाद वितरण है, आपको भी भगवान ये प्रसाद समझो, आपको भी शेयर करो बस तो ये आप समझो कि आप अभी ढुंगोजाल गांव आए हैं, ये नरसिंह की भूमि है और आपको नरसिंह देवता जो है हर जगह आपके साथ देगा। हाँ तो ये
आप देखो इस भीड़ का, इतने लोग यहाँ पर कुछ न कुछ दिल में मनोरथ सोच के आए हैं, कुछ न कुछ सोच के आए हैं कि हमको कुछ वो फायदा हो। तो फायदा यही होगा कि अब आप लोगों के साथ ये पूरे देवता पंच देवता यहाँ बजावगों में से बहुत अच्छा रिच गांव है। यहाँ पर लोग बहुत जगह जगह देश विदेश में सारे जगह कनाडा अमेरिका में जुड़े हैं, यहाँ के लंदन जापान जर्मन फ्रांस में यहाँ के लोग हैं और काफ़ी रिच कल्चर है यहाँ का। बहुत सारे लोग भीड़ों को आप देख सकते हो, ये बहुत ऊपर गांव है, इसके ऊपर कोई गांव नहीं है, लास्ट गांव है और अपनी परंपरा का निर्माण करते हुए बहुत ही लास्ट गांव है। 11 गांव पट्टी का आपको मैं बताऊं, जिला पंचायत सदस्य जी के माध्यम से पता चला है आप ये 11 गांव पट्टी का आप ही सबसे लास्ट गांव है और इसके बाद हिताव पट्टी पड़ती है। तो ये इनके द्वारा भी मेरे को बताया गया है, अच्छा दोस्त अभी मैं एक बता दूं, इसके 3 किलोमीटर ऊपर जो है विश्वनाथ भगवान रहते हैं और दैनिक तरह जगदीशिला सौड़ जो दिख रहा होगा पर्वत आपको, ये जगदीशिला सौड़ का है, इसके ऊपर जो टॉप है यहाँ भगवान विश्वनाथ का वो है और ये इस तरफ जो है आपको बांध दिख रहे हो, ये सामने क्षेत्र अकोड़ी का पूरा ढूंढ गए और हम बजाल गाँव में अभी। तो ये पूरा ये सामने जो दिख रहा है आपको ये हिंदाव है, ये दूसरी पट्टी है सामने जो धुंध लगी हुई है, हल्के बादल छाए हुए हैं आसमान में, ये सूरज छुपने वाला है, ये देखो वाला यहाँ पर है। ये हमारा आज पांडाल समाप्ति, यहाँ के लोग बहुत खुश हैं, ये देखो मेरे ये सारे खुश हैं कि ये आज यहाँ पर जिला पंचायत अध्यक्ष जी आए हैं, जिला पंचायत आए हैं और ये मेंबर लोग देवता लोग चढ़ रहे हैं, प्रसाद बांट रहे हैं, फिर नीचे उतर रहे हैं, दोबारा ये चलता है, यहाँ प्रक्रिया है यहाँ पर। और आप लोग दोस्त शेयर करो, ये हमारा पूरा रिवाज जो है ना पूरा फैला दो, और जो लोग कभी हम लोग क्या है कि पांडव लीला करेंगे या कभी हमसे हो पाएगा तो हम भी इसी रीति रिवाज को बचाने लिए आगे। अब देखो भाई साहब ये है हमारी जो इम्पोर्टेंट प्रक्रिया जो अब है, पत्ते बांट गए, अब लोग सब लोग जो है ना इस पेड़ को ही नीचे कर देंगे, इसके पत्ते देखो लोग किस प्रकार इसका वो करेंगे। बजाल गांव 11 बजाल गांव पट्टी 11 गांव से आप इसका उत्सव को देख रहे हो, देखो ये लोग ये है, ये देखो ये प्रसाद के लिए लोग उतावले हो रहे हैं। दोस्तों शेयर कीजिए अपना परंपरा को बचाने के लिए, इसको सब जगह शेयर कीजिए, सबको बताइए हमारी कल्चर क्या है और ये हम लोगों को सीखने का मौका मिल जाएगा। हम इसको पता नहीं क्योंकि इससे सात दिन जो पाड़ा ले उसमें स्वास्थ्य जो हमारा फिजिकल जाओ पेड़ पे देखो माननीय जिला पंचायत सदस्य पेड़ का वो कर रहे हैं, हाँ लाइव लाइव चल रहा है देखो प्रसाद के लिए औरतें भी वहां पर हाथ कर रहे हैं। देखो ये पेड़ झुकाने लिए बोल रहे हैं लेकिन झुक नहीं पाए वहां पहुंचा नहीं, देखो कितने लोग इसमें लगे पेड़ों पे लग नीचे से लगे लोग लड़के भी लगे खुशी खुशी और ये प्रसाद के लिए लोग कितने वो है कहां पर पेड़ आएगा जी आ रही। देखो कुछ लोग इसकी जड़ी बहुत गहरा खोद रखा, शानदार नजारा देखो प्रसाद के लिए लोग हाथ बढ़ा रहे हैं, देखो पूरी वीडियो नहीं दिखा पा रहा आप लोगों को क्योंकि यहाँ पर रास्ता काफी क्राउडेड है और मैं एक सीमित एरिया में रह सकता हूँ, वहां से आप लोग पूरी वीडियो नहीं दिखा पा रहा हूँ। तो दोस्तों ये नजारा आप देख सकते हो, ये हमारा प्रसाद वितरण जो पांडव लीला का अंतिम दिन होता है, समाप्ति का दिन है, आज भक्त देवताओं ने प्रसाद दे दिया है और अब ये जो पारिजात के पत्तों का प्रसाद पर्याडा बड़े का पेड़ जो है ना अभी जो कोई लोग लगे हुए हैं बहुत गहरा इन्होंने गाड़ रखा था, बहुत लंबा पेड़ है और औरतें वहाँ पर पीछे बिल्कुल वेटिंग में है कि प्रसाद जो है इसमें कब मिलेगा, सब लोग भीड़ में पूरी भीड़ देखो भीड़ है यहाँ पर एक बजाल गांव।
दोस्तों ये प्रकृति जो हमारा ये अभी प्रसाद वितरण का ही हमारे पारिजात का पौधा है, पया का पौधा है, और हम जब पांडव लीला करते हैं तो लास्ट में इसके पत्ते प्रसाद के रूप में दिए जाते हैं। दोस्तों ये हमारे कल्चर है, प्रकृति है ये, तो आप लोग इसको शेयर करें, हमारे कल्चर को बताएं कि हम लोग स्वस्थ हैं। क्यों? इस 8-9 दिन तक यहाँ पर खूब नाच नोच हुआ है, फिजिकली फिट हुए लोगों ने गए स्वस्थ मनोरंजन के साथ। ये हमारा एक, अगर आप फिजिकली हिसाब से लें, अगर अपने स्वास्थ्य के हिसाब से लें, तो सबसे बढ़िया परंपरा हमारी ये पांडव लीला। तो ये हर गाँव में होनी चाहिए, हर जगह होनी चाहिए, क्योंकि हम इन्हीं के आगे बढ़ सकते हैं। लोग अपनी परंपरा हम पे थोपते हैं, हमें अपनी परंपरा लोगों पे थोपनी चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अभी हम जाने की तैयारी आपसे लोगों से जाते हैं, क्योंकि अभी प्रसाद वितरण हो चुका है और सारे लोग यहाँ पर ये, अभी आप लोगों से विदा चाहता हूँ। दोस्तों मैं भी यहाँ से निकलने वाला हूँ, और ये देखो ये प्रसाद में लगे हुए है। ये हमारे, अच्छा गुरुजी, अभी यहाँ पर विदाई का समारोह चल रहा हमारा, हमारे एक गुरुजी हैं, वो हमको आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। आप लोग यहाँ पर सभी सर, अच्छा ठीक है सर, अच्छा ठीक सर, आप लोग सॉरी, मैं जिससे आगे लाइव कम दिखा पाऊँगा, क्योंकि अब हमारी तैयारी हो रही है, जाने की तैयारी हो रही है। देखो